इस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौगछिया भागलपुर। ऑनलाइन कक्षा देने वाला नौगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन ले और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें। 7488568698 9234623333। जीएस न्यूज चैनल पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज 22वां सवाल। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए निम्न में कौन सा ऐप को लॉन्च किया है? ए प्रवासी रोजगार ऐप, बी हम सफर रोजगार ऐप, सी साथी रोजगार ऐप या डी सोच रोजगार ऐप। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर लगता है आपको कि आपका जवाब सही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें ताकि कल के प्रतियोगिता में आप सबसे पहले जवाब दे सकें। विक्रमशिला सेतु के अप्रोच रोड पर कलवलिया धार के पास शुरू हुआ रिसाव, स्थिति भयावह। नौगछिया प्रखंड के विक्रमशिला सेतु के पहुंच पथ की सहायक सड़क तेतरी दुर्गा स्थान जाह्नवी चौक 14 नंबर सड़क पर तेतरी कलवलिया धार के पास रिसाव शुरू हो गया है। कलवलिया धार का पानी बड़ी तेजी से विक्रमशिला सेतु के अप्रोच पथ की ओर बढ़ रहा है। रिसाव पर जैसे ही तेतरी गांव के ग्रामीणों की नजर पड़ी तो ग्रामीणों ने तत्काल बचाव कार्य शुरू किया। मौके पर पहुंचे भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह ने मामले की सूचना पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को दी है। सूचना पाते ही कार्यपालक अभियंता ने बचाव कार्य शुरू करवा दिया है। देर रात तक रिसाव वाले स्थल पर कंक्रीट और मिट्टी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। ग्रामीणों के अनुसार स्थिति भयावह है, कहीं पिछले वर्ष जैसे हालात का सामना करना ना पड़ जाए। मालूम हो कि पिछले वर्ष कलवलिया धार के समीप देर रात एकाएक धसान हो गया था जिसमें एक ऑटो और एक चार चक्का वाहन के अंदर चले जाने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जबकि करीब एक माह तक सड़क पर आवागमन पूरी तरह से ठप रहा था। SDPO की पत्नी और बच्चे को बीच सड़क पर छोड़ लापता हुआ चालक अपने संबंधी के यहाँ मिला। उदा किशुनगंज SDPO की पत्नी और बच्चे को 33 माइल के समीप बीच सड़क पर छोड़कर रहस्यमय तरीके से चालक के गायब हो जाने और 2 दिन में एक संबंधी के यहाँ बरामद होने का मामला प्रकाश में आया है। लापता सिपाही चालक अखिलेश राम उदा किशुनगंज का अरवल जिले के करपी थाना क्षेत्र के खजूरी पंचायत के रामपुर का निवासी है। पुलिस के अनुसार अब वह सुरक्षित है और अपने घर पर है। थानाध्यक्ष राज कपूर कुशवाहा ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि सिपाही को लाने के लिए पुलिस उनके घर जहानाबाद के लिए रवाना हो चुकी है। वहीं पूछे जाने पर नौगछिया के SP स्वप्ना जी मिश्राम ने कहा कि चालक अपने संबंधी के यहाँ चला गया है, वह सुरक्षित है। गंगा नदी के जलस्तर में 10 सेंटीमीटर की वृद्धि। गंगा नदी के जलस्तर में पुनः पिछले 24 घंटे में 10 सेंटीमीटर की वृद्धि होने से पर पानी का काफी दबाव बढ़ गया है। स्पर संख्या 6N स्थित जल संसाधन विभाग के कैंप कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की शाम को गंगा नदी इस्माइलपुर बिंटोली के बीच 31.10 मीटर पर बह रही है। गंगा नदी के जलस्तर में पुनः वृद्धि होने से संभावित बाढ़ व कटाव के भय से तटवर्ती गांव के लोगों की धड़कनें तेज हो गई है। तटवर्ती गांव के लोग अभी से सुरक्षित आशियाने की तलाश में जुट गए हैं। जल संसाधन विभाग के अधिकारी के अनुसार अभी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। नवगछिया में टोल प्लाजा के 5 कर्मी सहित 14 लोग कोरोना पॉजिटिव। नौगछिया में कोरोना संक्रमण का चयन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को नौगछिया में 14 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों में नौगछिया के मददपुर स्थित टोल प्लाजा के 5 कर्मी सहित तेतरी पंचायत के 1, जमुनिया के 3, श्रीपुर के 1, धरारा के 1, नौगछिया राजेंद्र कॉलोनी के 1, नौगछिया PSC के 1 स्वास्थ्य कर्मी एवं नया टोला के 1 व्यक्ति शामिल है। पॉजिटिव पाए गए सभी व्यक्तियों का 21 जुलाई को नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में सैंपल लिया गया था। नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि सभी पॉजिटिव पाए गए मरीज को स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा COVID-19 सेंटर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब पैसा नहीं बनेगा पढ़ाई में बाधा। 10वीं-12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना पढ़ना और खाना बिल्कुल फ्री। BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA सहित नर्सिंग कोर्स में ले निःशुल्क नामांकन। हमारा पता है MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नवगछिया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8228-9569-05, 88-73-97-36-80। ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371-1787 7325-05-24-37 पर
ओई मार्ट ऑनलाइन मार्केट। नवगछिया में मास्क चेकिंग में 117 को किया गया जुर्माना। नवगछिया एसपी स्वप्ना जी मेश्राम के निर्देश पर पुलिस जिले में लगातार वाहन चेकिंग अभियान एवं कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण हो इसको लेकर मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शुक्रवार को पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस जिले में 6 वाहनों से 6,000 रुपए जुर्माना किया गया। इसके अलावा मास्क चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस जिले के कुल 117 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थान पर गतिविधि करते हुए पाया गया। सभी व्यक्ति से कुल 5850 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। कदवा के भूतनाथ स्थान समीप टूटा कोसी बांध। कदवा दियारा पंचायत को बाढ़ से बचाने के लिए ठाकुर जी कचहरी टोला के भूतनाथ स्थान समीप किए गए कोसी बांध के मरम्मति कार्य के बाद भी आखिरकार यह बांध शुक्रवार को टूट गया। बांध टूटने के बाद कदवा के निचले हिस्से कार्तिक नगर कदवा से होकर बकरी टोला भरोसा सिंह टोला व मिलन चौक की ओर तेजी से बाढ़ का पानी फैलने लगा है। वहीं सैकड़ों एकड़ में लगे किसान के मक्का धान व अन्य प्रकार की सब्जियों की खेती डूबने लगी है। कदवा के ग्रामीणों का आरोप है कि पदाधिकारी की अनदेखी से कोसी बांध टूटा है। 6 भैंस भटक कर पहुंची कदवा। ढोलबज्जा बाढ़ में कहीं से पलायन कर जा रहे किसानों की 6 भैंस भटक कर खैरपुर कदवा पहुंच गई है, जहां किसानों के कहीं से आता पता ना देख पशुपालक किसान मनीष कुमार यादव उर्फ तिलो ने सभी भैंस को पकड़कर चारा पानी करा रहे हैं, जिसमें 4 भैंस व 2 साल के करीब 2 भैंस के बच्चे हैं। सभी आश्रम टोला की तरफ से आए हैं। रूपक बने जदयू मीडिया सेल गोपालपुर विधानसभा प्रभारी। जदयू मीडिया सेल नवगछिया संगठन के जिला संयोजक रवि कुमार ने रूपक पटेल को दल के प्रति उनकी कर्तव्य निष्ठा और समर्पण को देखते हुए गोपालपुर विधानसभा प्रभारी के पद पर मनोनीत किया है। इसके पूर्व रूपक मीडिया सेल के जिला कार्य समिति सदस्य थे। रवि कुमार ने कहा कि रूपक पटेल द्वारा पिछले 1 वर्ष में बेहतर काम के आधार पर उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। रूपक के गोपालपुर विधानसभा प्रभारी बनने पर जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह कुशवाहा और दर्जन कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की है। नवगछिया के रंगरा व मकंदपुर पीटर की बाधित रहेगी बिजली। रंगरा व मकंदपुर पीटर की बिजली शनिवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक बाधित रहेगी। विद्युत अभियंता के कनीय अभियंता प्रशांत कुमार ने बताया कि 33 केवी के तार को नगर PSS से जोड़ने का कार्य किया जाएगा, जिसको लेकर बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। बिहपुर बांध पर पन्नी टांग कर रह रहे हैं विस्थापित, ना शौचालय ना है चापाकल की व्यवस्था। बिहपुर प्रखंड के गोविंदपुर मुसारी में कोसी नदी के कटाव से विस्थापित हुए परिवार त्रिमोहन बांध पर अय्यावर की जिंदगी जीने को विवश हैं। घर के नदी में कट जाने के बाद विस्थापित परिवार बांध पर पन्नी टांग कर अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। इन लोगों के सामने भोजन से लेकर शुद्ध पेयजल शौचालय की घोर समस्या है। लोग दूषित पानी पीकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, खुले में शौच जाने को विवश हैं। पशु चारे की भी घोर समस्या है, सैकड़ों पशु भूखे हैं। पशुपालक चाहकर भी अपने मवेशियों को चारा नहीं दे पा रहे हैं। कटाव स्थापित हुए राजू ऋषिदेव, वीरेंद्र ऋषिदेव सहित कई महिलाओं ने कहा कि हम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद कुमार मंडल के साथ जिला प्रभारी सोनू मिश्रा सहित कई अन्य भाजपा नेता विस्थापित परिवार से मिले, जहां विस्थापित परिवार ने भाजपा नेताओं के सामने अपने समस्याओं को रखा। नारायणपुर में वीडियो ने दिया योगदान। नारायणपुर प्रखंड कार्यालय में निर्मित होने पर शुक्रवार को नए प्रखंड विकास पदाधिकारी हरिमोहन कुमार ने योगदान दिया, जिसमें प्रभारी वीडियो सह सीओ रामजपी पासवान से प्रभार लेकर योगदान दिया है। योगदान देने पर मुखिया प्रतिनिधि प्रीतम मिश्रा, मुखिया शांति देवी, मुखिया तनिषी सिंह, मुखिया बेबी देवी सहित कई अन्य ने बधाई दी है। बिहपुर के जमालपुर में छज्जा का मलबा घर पर गिरने पर चलाया गोली, दहशत में परिवार। बिहपुर के जमालपुर पंचायत के वार्ड संख्या 2 में शुक्रवार को दिन के करीब 1 बजे करीब गोली चलने की आवाज से दहशत फैल गया। गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। इस गोलीकांड के बाबत जमालपुर निवासी नित्यानंद रजक ने झंडापुर ओपी में मामला दर्ज कराया है। बैक चॉइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने पोधार गली नवगछिया। अमेरिकन टूरिस्टर, VIP, फ्लाय, कैमिलियंट सहित सभी ब्रांड के ट्रॉली, सूटकेस बैग, स्कूल बैग, लेडीज पर्स सहित सभी प्रकार के बैग के लिए एक बार जरूर संपर्क करें। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल 8954855586। बैग है लेना तो बैग चॉइस ही है जाना।